हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा मोटरसाइकिल चलाते समय गियर कैसे चेंज करें। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था और यह जो टॉपिक है ट्रेंडिंग टॉपिक है, मैंने यहाँ सर्च लगा के देखा तो बहुत सारे लोग सर्च भी कर रहे थे और कमेंट के जरिए पूछ रहे थे कि भाई बताइए कि मोटरसाइकिल चलाते समय हम गियर को कैसे चेंज करें, किस तरह से चेंज करें कि हमारी गाड़ी बंद नहीं हो। जैसे बिगिनर जो है वो चालू कर लेते हैं गाड़ी को, जो आगे बढ़ाना शुरू कर लेते हैं और जब गियर लगाते हैं तो समय उनका जो क्लच रहता है सही से प्रेस नहीं करते हैं और जिनके कारण उनका गाड़ी बंद हो जाता है। तो आज मैं आप सभी को यही बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जो देखिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मेरे पास में आज है सिटी डिलक्स, देख सकते हैं सिटी डिलक्स है जो कि ओल्ड मॉडल गाड़ी है और यह गाड़ी जो है दीपक कुमार का है। तो आज मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि गाड़ी चलाते समय कैसे गियर चेंज करें। तो चलिए पहले तो गाड़ी को हम बैठेंगे और बैठेगा दीपक कुमार, यही आप लोगों को बताएगा किस तरह से गियर तोड़ता है। सो तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दीपक कुमार अभी बैठने के लिए तैयार नहीं है, बोल रहा है कि तुम बना रहा है वीडियो तो तुम ही शूट करो वीडियो, बैठ कर तुम ही बताओ। तो चलिए यहाँ कैमरा यही करेगा और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से गाड़ी चलाते समय गियर को शिफ्ट करेंगे। एक नंबर से दो नंबर से तीन नंबर से चार नंबर और चार नंबर से पांच नंबर, ऐसे तो जो गाड़ी है सिटी डिलक्स ओल्ड मॉडल है तो चार नंबर गियर तो ही खाक है, तो यही मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो देखिए दोस्तों, गाड़ी में हम बैठ चुके हैं तो गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। पहले तो यहां से ऑन कर दिए, इसको यहां से ऑन कर देते हैं। करने के बाद यहां क्या करेंगे, सेल्फ से स्टार्ट करेंगे। सॉरी गड़बड़ा गया कि क्लच प्रेस नहीं किए, यह जो गलती है खास कर बिगिनर के पास बहुत ज्यादा होते रहता है, तो ऐसा नहीं करना है। जब भी देखते हैं गाड़ी जो गियर में है तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूट्रल करेंगे। अगर न्यूट्रल नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, क्लच को प्रेस करेंगे। अभी हम जो चालू किए हैं बिना क्लच प्रेस किए चालू किए हैं तो गड़बड़ा गया, तो क्लच को पैसे यहाँ से प्रेस करेंगे ऐसे, और यहाँ सेल्फ है तो सेल्फ से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यह हो गया स्टार्ट। उसके बाद जो फर्स्ट गियर हम लगाए हुए हैं सेकेंड गियर, फर्स्ट गियर डालेंगे तो फर्स्ट गियर डालने के लिए क्या करेंगे, पीछे पीछे जो दिया है पीछे यहाँ पर प्रेस करेंगे, पीछे जो गियर है यहाँ पर प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। देखिए गाड़ी को आगे तरफ बढ़ाएंगे और सेकेंड गियर डालने के लिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर प्रेस करेंगे क्लच को और यहाँ से फिर से पीछे प्रेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से जितने बार हम गियर चेंज करेंगे उतने बार क्या करेंगे, क्लच को प्रेस करेंगे। बिना क्लच प्रेस किए हम गाड़ी के गियर को शिफ्ट नहीं करेंगे। जैसे कि हम बिना क्लच प्रेस किए हम गाड़ी को गियर को शिफ्ट करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, गियर जो है कभी कभी फंसने के चांस रहता है। तो जितना आप प्रेस करेंगे वहाँ पर फंस जाएगा, तो समझिए सीधा के सीधा रुक जाएगा और आपका जो गाड़ी है अगर तीन नंबर गियर पर है तो उतना ही पर रह जाएगा, वो नहीं आगे टूटेगा ना पीछे होगा। तो ऐसा नहीं करना है, जब भी हम गाड़ी के गियर को चेंज करेंगे तो क्लच को प्रेस करेंगे, उसके बाद ही चलाएंगे। तो इस ब्लॉग में यही आप लोगों को मैं समझाना चाहता था कि जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो गियर को और क्लच को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से इसको प्रेस किए बिना हम गियर को नहीं लगाएंगे। अगर बिना इसको प्रेस किए अगर गियर को लगा रहे हैं तो गाड़ी जो है खराब हो सकता है, तो ऐसा हमको नहीं करना है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लेकर आते रहता हूँ इस तरह का इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।